नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक के लिए जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 27 का प्रिंट आउट ले, 27 शीट मैक्सिमा एंड मिनिमा।
मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक करते हैं। इसके ऊपर लिख लो ब्रैकेट में मैक्सिमम मिनिमा मैथ्स, ये फिजिक्स नहीं है प्लीज। ये आपको टॉपिक जो मैंने लिखा ये किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने मन से लिखा हुआ है कि ये ऐसी थ्योरी होनी चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है फिजिक्स से। तो कोई प्लीज स्कूल के लिए पढ़ने मत बैठ जाना, नॉट फॉर स्कूल लिख लो शीट के ऊपर बड़ा बड़ा, पढ़ना भी नहीं है इसे। रादर आप स्कूल की बात कर रहे हो, इसको आज के बाद ही नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको देख के छोड़ देंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में इसको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जो इस शीट से क्लियर नहीं होगा, जब लाइव प्रॉब्लम आएगी ना ये तभी क्लियर होगा। अभी तो सिर्फ एक आइडिया होगा कि एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम करना कैसे है। तो हम इसको एक बार देख के छोड़ देते हैं, और आपके काम की चीज़ क्या होगी वो टाइम के साथ आपको मैं बता दूंगा। बट आपको ये शीट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार घर में जाना है गो थ्रू कर लेना बस। ऐसा नहीं है कि इसको याद करने बैठ जाओगे कैसे किया, कुछ नहीं करना, टाइम के साथ अपनी आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए मैक्सिमम मिनिमम में, कभी कभी मैथ्स के अंदर क्या होता है कि ग्राफ्स बनते देखे होंगे आपने, जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, इन ग्राफ्स के अंदर ये वाई एक्सिस है और ये टी मतलब एक्स एक्सिस मैंने टाइम लिया हुआ, एंड वाई इज चेंजिंग विद टाइम, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ, आप देख सकते हो। चाहे ये ग्राफ देख लो चाहे ये ग्राफ देख लो, वाई की वैल्यू बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है और फिर कम होती हुई नजर आ रही है, कोई डाउट इसमें? अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहां पर अगर मैं इस ग्राफ को लूं, बेटर ग्राफ है, वाई की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती 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 क्या हो गई मैक्सिमम, फिर कम 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 जीरो, फिर वैल्यू नेगेटिव की तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, माइनस में ये वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम है, वाई की वैल्यू यहां पर मिनिमम है, फिर वाई की वैल्यू बढ़ती हुई जीरो हो गई। तो वाई की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली हर पॉइंट पर क्या होती जा रही है, चेंज। ठीक है यहां तक? तो अगर मैं कहूं कि वाई की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है, आप मुझे कहोगे यहां पर है, ये मैक्सिमम का पॉइंट है। तो इसको बोलते हैं ये मैक्सिमम का पॉइंट है जहां पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, और ये मिनिमम का पॉइंट है जहां पर वाई की वैल्यू मिनिमम है। तो दो पॉइंट्स मैंने दिखा दिया आपको, जहां पर एक वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, जहां पर वाई की वैल्यू मिनिमम है। और बाकी वाई की वैल्यूज के बारे में क्या कमेंट्स हैं कि वाई की वैल्यू जो बाकी पॉइंट्स पर है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं भी लाई करेंगी, कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कहीं भी लाई करेंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर अगर आप इसमें स्लोप की बात करते हो तो स्लोप टेंजेंट है, और अगर आप ध्यान से देखो यहां पर टेंजेंट ऊपर की तरफ है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं टेंजेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। टेंजेंट स्लोप, टेंजेंट मतलब स्लोप कम कम कम, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्लोप क्या हो गई, जीरो। फिर स्लोप यहां पर पॉजिटिव थी, फिर स्लोप यहां पर नेगेटिव 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 और फिर जीरो और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई डाउट इसमें? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं स्लोप कॉन्टिन्यूसली अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, और जहां पॉइंट मैक्सिमम का है या पॉइंट मिनिमम का है वहां स्लोप क्या बनेगी, स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब स्लोप क्या होगी यहां पर, जीरो। क्लियर है यहां पर? तो हमें यह समझ में आता है कि जहां पर स्लोप जीरो होगी या तो वो पॉइंट ग्राफ को बिना देखे टॉप मोस्ट पीक पे होगा या बॉटम मोस्ट पीक पे होगा। टॉप मोस्ट पीक वो बोलते हैं मैक्सिमा का पॉइंट है और बॉटम मोस्ट को बोलते हैं मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर है यहां तक? लेकिन ये नहीं कह सकते स्लोप जीरो को देखते हुए हम टॉप पे हैं या फिर हम बॉटम पे, कुछ भी हो सकता है टॉप या बॉटम, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्लोप क्या आती है, जीरो। क्लियर है? अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में मैक्सिमा का ये पॉइंट है, स्लोप जीरो है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, मिनिमा का ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो मैं ये पढ़ा रहा था तो स्टूडेंट ने पूछा सर ये क्या बात बनी मैक्सिमा का पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट्स क्यों हैं, पूरे ग्राफ में एक ही पॉइंट होना चाहिए जहां पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, बस। ये थोड़ी ना मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, आप चेक कर लो ग्राफ से, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, बस। अब बाकी पॉइंट्स को क्यों डिस्कस कर रहे हो, बात खत्म, क्योंकि इस ग्राफ में एक ही मैक्सिमम वाई की वैल्यू होगी और एक ही मिनिमम होगी, जबकि मैंने क्या कहा कि ये पॉइंट भी मैक्सिमम है, ये पॉइंट भी मैक्सिमम है, जबकि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों में से एक ही मैक्सिमम हो सकता है जहां पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम है। हम यहां से शुरू करते हैं, इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं और मान लो कोई इनमें से एक स्टूडेंट टॉपर है, इस क्लास का टॉपर है, फिर हमने कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया और हमने ये डिस्कस किया कि इस पंचकुला का टॉपर है। अब पंचकुला का टॉपर
भी एक टॉपर है, इस क्लास का टॉपर भी एक टॉपर है, तो ये क्लास लोकल बन गया, लोकल टू दी पंचकुला। पंचकुला एक बड़ी, एक बड़ा एरिया ले लिया, उसके सामने ये लोकल एरिया हो गया। फिर ट्राई सिटी का टॉपर निकल गया, ट्राई सिटी के सामने पंचकुला का टॉपर छोटा पड़ गया, तो ऑब्वियसली वो लोकल हो गया। अब है तो वो भी टॉपर ना, टॉप की है, स्टूडेंट भी टॉप की है, और फिर इंडिया का टॉपर या स्टेट्स का टॉपर। अब देखो, अब ट्राई सिटी छोटा पड़ गया, तो कहीं ना कहीं है तो सब टॉपर्स ही, लेकिन पॉइंट इज कि एक दूसरे के कंपैरिजन में वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही है, ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो कहीं कहीं ये ग्राफ पीक पे आ गया। अब ये पीक इसके मुकाबले तो पीक है ना, इसके मुकाबले, हाँ इसके मुकाबले ये बड़ी पीक है। तो हम जब मैथ्स में स्टडी करते हैं इन ग्राफ्स को, तो बस लोकल पढ़ते हैं, हम कहते हैं बस इसी को देखना है, इसमें पता लग रहा है कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है बस। फिर हम इसको देखते हैं, ये मैक्सिमम और ये मिनिमम है। हम अगर इकट्ठा देखते हैं फिर हमें कई मैक्सिमम मिलेंगे और कई मिनिमम, तो इतने एरिया में ये मैक्सिमम है, पूरे एरिया में सिर्फ एक ही मैक्सिमम है। तो इस तरीके से रिलेटिव पढ़ा जाता है, पर ये हमारे फिजिक्स का पार्ट नहीं है, हम इतने बड़े ग्राफ को पढ़ने वाले नहीं है, हम सिर्फ एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम को ही स्टडी करेंगे। जस्ट समझाने के लिए बताया, अदरवाइज सिर्फ ऐसा ग्राफ ही पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? तो अगर ये वाई एक्सिस वाई है, एक्स एक्सिस में ये टी है, तो इसकी स्लोप किसी भी इंस्टेंट में निकालनी है, तो ये एक्सिस क्या होगा डी वाई, और ये क्या होगा स्मॉल में डी टी। तो स्लोप क्या होगी इसकी डी वाई बाय डी टी। तो स्लोप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ये वाई एक्सिस, ये टी एक्सिस, डी वाई बाय डी टी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर डी वाई बाय डी टी इज जीरो, यहां पर डी वाई बाय डी टी इज जीरो। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब दूसरी चीज, मैंने लिख दिया स्लोप को क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या स्टेप क्लियर है? आगे, अब इसमें ग्राफ में हम देख सकते हैं स्लोप इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ स्लोप चेंज हो रही है। पहले ऐसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप कम हो रही है, जीरो हो रही है, नेगेटिव हो रही है, जीरो हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है। ये भी क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब लेट अस कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। अब ये क्या चीज है, स्लोप चेंज हो रही है, अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालते हैं। जैसे यहां पर स्लोप 10 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर -1 है, -2 करते करते बढ़ती जा रही है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि स्लोप की वैल्यूज को मैंने नोट किया, मैं चेक करना चाहता हूं कि स्लोप भी चेंज हो रही है, और स्लोप किस रेट से चेंज हो रही है, टाइम के साथ देखना चाहता हूं कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है, कि उसका रेट क्या है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन। तो वाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई इज स्लोप, और स्लोप चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं। और क्यों करना चाहता हूं भी बताऊंगा कि स्लोप का रेट क्यों चेंज कर रहा हूं, क्यों चेक कर रहा हूं कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रही है। स्लोप होती क्या है, डी वाई बाई डी टी, और डबल डेरिवेटिव में अगर आपको याद हो कैलकुलस फिर से बीच बीच में आ जाता है हमेशा, मैंने बोला था कभी कभी बीच बीच में आया करेगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आया? पहला पहला केस है या दूसरा तीसरा केस है मुझे पता नहीं, जब हम डबल डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं, नॉर्मली डबल डेरिवेटिव यूज होता नहीं, एक्सेलरेशन में कभी कभी कर देते हैं या अब हुआ है। तो कैलकुलस की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है, मैं हमेशा बोला करता जब नए नए आए थे कि कुछ भी नहीं आएगा स्कूल में, ऐसा आप सोचते थे ये करवा के और फिर 10-15 दिन कुछ आएगा नहीं, तो ये कैसी फिजिक्स है। अब आपको समझ में आ रहा है, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर हो जाएगी, नहीं तो फिर यहीं पे आधा घंटा लग जाता डबल डेरिवेटिव होता है क्या ये बताने में। ठीक है यहां तक? तो ऐसी मैक्सिमम मिनिमा स्कूल में नहीं आएगा, लेकिन आधा घंटा लग जाएगा जब क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम व्हाट इज मिनिमा, तो अब 2 सेकंड लगेंगे जब आपने ये टॉपिक सुना होगा। और एज सच इस शीट में से कुछ नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने खुद बनाई हुई है। ठीक, ये किसी बुक का पार्ट नहीं है, प्लीज मैं आपको बता दूं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, मैं बताता हूं मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो, एटलीस्ट आपको ये समझ में आ गया टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर या बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या होगी, जीरो, दैट इज डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछता हूं जो अभी हमने किया,
मान लो एक मैप्स में एक ग्राफ बनाएंगे, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं वाई में और टी में। एक तो ये तरीका है, मैं सच में ग्राफ पेपर लेके ग्राफ प्लॉट करूं। दूसरा तरीका, बस इक्वेशन रहने दूं और क्वेश्चन ये है टाइम बताओ, टी टी टाइम बताओ जहां पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है देखने के लिए कि कब मैक्सिमम कब मिनिमम है। जहां भी मैक्सिमम होगी, पीक वैल्यू ऊपर होगी या पीक वैल्यू नीचे होगी, वहां पर स्लोप पक्का क्या आएगी, जीरो आएगी। ये रिजल्ट समझ में आता है, आज हमने किया। और क्योंकि ग्राफ किस किस में बनेगा, वाई में और टी में, तो वाई एक्सिस में क्या चलेगा वाई और एक्स एक्सिस में क्या चलेगा टी, तो स्लोप को क्या लिखें, ई लिखना, यहां ई स्लोप, स्पेलिंग गलत है, स्लोप क्या होगी जीरो, चाहे वो मैक्सिमा का पॉइंट है चाहे वो मिनिमा का पॉइंट है। और स्लोप को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी। कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि ग्राफ वाई और टी में है, डी वाई बाई डी टी। अगर ग्राफ वाई और एक्स में होता तो डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर यहां तक? तो डी वाई बाई डी टी में वाई की जगह वैल्यू पुट करें, वही डिफ्रेंसिएशन का रोल आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करें। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आती, सबने की हुई है ना, जो बाद में ज्वाइन किया जिन्होंने, ठीक, तो समझ में आ रहा है। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके टाइम निकाला, टाइम कितना आ गया 1/4 सेकेंड। टाइम 1/4 सेकेंड पर वाई की वैल्यू या तो क्या होगी मैक्सिमम या फिर क्या होगी मिनिमम। अब एक स्टूडेंट आया, वो बोलता है कि ये क्या बात बनी कि आप फिजिक्स का पेपर देने गए और आप लोगों को ये बता रहे हो या तो मेरे नंबर आएंगे मैक्सिमम 100 और या मेरे नंबर आएंगे 0 मिनिमम। भाई या तो आप 100 नंबर लोगे या फिर आप 0 लोगे, ये कैसे है कि दोनों नंबर आ जाएंगे, यानी कि इस टाइम पर या तो मैक्सिमम आई होगी वाई की वैल्यू या फिर मिनिमम। ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। आप एक अंदाजे से ये जरूर बता सकते हो इतने टाइम पर स्लोप जीरो है, तो यानी कि या तो पीक वैल्यू मैक्सिमम है या फिर पीक वैल्यू मिनिमम है। और आपने मुझसे ये क्या पूछना है, सर एक चीज बताओ, या तो ऊपर की पीक है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, एट अ टाइम एक ही चीज हो सकती है, वो क्या होगी। तो अभी तक हमने, क्योंकि अगला स्टेप सीखा ही नहीं तो कैसे बताओगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन में क्या बताया, या मैक्सिमम या मिनिमम। तो अगर क्वेश्चन यहीं तक आता है या मैक्सिमम या मिनिमम, आगे पूछता ही नहीं, फिर बड़ा सिंपल है, स्लोप करो और स्लोप को उठा के जीरो पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 99 क्या 100% केस में, कम से कम नीट में और मेंस में, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, ये स्कूल में नहीं आता, नीट में और मेंस में बस यहीं तक क्वेश्चन आता है, सिंपल लेवल का आता है। हालांकि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में, होनी चाहिए आने वाले टाइम में, क्योंकि मैथ्स में जो मैथ्स में टीचर कैलकुलस करवाएंगे प्लस टू में, उसमें मैक्सिमा मिनिमा पे 15 दिन लगाएंगे, तो दे विल बी एक्सपर्ट, वो एक एक्सपर्ट हो जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के, तो उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं, मेडिकल में बस यहीं तक आता है। तो मैं लेकिन एक स्टेप फर्दर लेके जा रहा हूं, हालांकि जरूरत शायद ना पड़े, पर अगर पड़ जाए तो एटलीस्ट मैं उस टाइम थोड़ा शीट खोल के समझाऊंगा, तो दो लाइनों में समझाता हूं कि चेक कैसे करते हैं कि मैक्सिमम आंसर होगा, यानी कि पीक मैक्सिमम होगी या पीक मिनिमम होगी, वो चेक कैसे करना है। तो इसके लिए काम करना है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से देखना, यहां पर स्लोप क्या है पॉजिटिव, ऊपर जाते 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 क्या हो गई जीरो, फिर क्या हो गई नेगेटिव। इधर आ जाए, यहां स्लोप क्या है नेगेटिव, फिर क्या हो गई जीरो और फिर क्या होगी पॉजिटिव। तो अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव होती है, इसका मतलब आप टॉप पॉजिटिव मैक्सिमा से होके आए हैं, और अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसका मतलब आप ऐसे होके आए हैं। देखो, अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो जाती है, मतलब आप एक पहाड़ के ऊपर से होके आए हैं, और अगर आपकी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ऐसा था वैली से होके आया नीचे से। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है? तो ठीक है ना, स्लोप पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, इसका मतलब आप पॉजिटिव पीक पे हैं, आप मैक्सिमा पे हैं, और अगर स्लोप नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, इसका मतलब आप मिनिमा पे हैं। तो रूल बना दिया, अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब मैक्सिमा का पॉइंट है,
और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है तो इसका मतलब मिनिमा का पॉइंट है, क्लियर है। और मैथ्स में मैथमेटिकली तो थ्योरेटिकल तरीका है, मैथमेटिकल तरीका ये है आप रेट ऑफ स्लोप निकालो। रेट ऑफ स्लोप का मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब कि स्लोप कैसे चेंज हो रही है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम स्लोप का चेंज निकाल रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने का मतलब उसकी वैल्यूज देखेंगे हर इंस्टेंट पर, उसकी वैल्यूज पहले पॉजिटिव थी फिर जीरो हो गई फिर नेगेटिव हो गई। तो जब तक स्लोप की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप से पता लग जाएगा। तो एक शॉर्टकट बनाया मैथ्स वालों ने कि अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डबल डेरिवेटिव क्या आता है, फाइनल नेगेटिव, इसका मतलब वो क्या पॉइंट कहलाएगा, मैक्सिमा। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आता है, फाइनल पॉजिटिव, तो यानी कि वो पॉइंट किसका होगा, मिनिमा। ये ऐसे चेक किया जाएगा कि मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर मिनिमा का पॉइंट है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जीरो आता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा ना वो पॉइंट मिनिमा का होगा, किसी का भी नहीं होगा। इसको मैं लगा के दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये एक वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको मुझे इसमें टाइम बताना है जब y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो पहला पार्ट बहुत आसान, टाइम बताने के लिए y को क्या करना है, मैक्सिमम। y मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमा का पॉइंट ढूंढना है। तो किसी भी y को अगर मैक्सिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि स्लोप निकलेगी। इसमें y एक्सिस में क्या होगा, y, x एक्सिस में कौन होगा, t। स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy / dx, नहीं dy / d t। तो dy by dt मैक्सिमा के पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। क्लियर। y की वैल्यू को पुट किया, टाइम सॉल्व किया, टाइम 1/4 सेकेंड। तो मैंने आंसर लिख दिया 1/4 सेकेंड पर y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मैक्सिमम, क्योंकि स्लोप वहां पर मैंने क्या पुट की, जीरो। क्लियर है। फिर एक स्टूडेंट ने कहा सर आपको कैसे पता, चेक करके बताओ, क्या पता मिनिमम आता हो, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम करने का तरीका तो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि दोनों पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाती है, जीरो। तो आपको कैसे पता कि मिनिमम का पॉइंट है कि मैक्सिमम का, क्या पता ये मिनिमम का पॉइंट हो। तो ये चेक करने का तरीका देखो, चेक करने के लिए आपने वाई की वैल्यू को लिखना है, ये गिवन है वाई, आपने डी वाई बाई डी टी निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी, इसको जीरो नहीं करना, चेक करते हुए इसको जीरो नहीं करना, dy by dt। फिर आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। डबल डेरिवेटिव को मैथ्स में ऐसे लिखते हैं, dy dt ऑफ dy by dt एक ही बात है। इस dy by dt की वैल्यू को यहां से यहां पुट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ आंसर आएगा। अगर वो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, तो वो थ्योरी क्या कहती थी पीछे जो लिखवाई हमने, कि अगर डबल डेरिवेटिव करने पे आंसर क्या आता है, पॉजिटिव, इसका मतलब वो पॉइंट किसका कहलाएगा, मिनिमा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस टाइम पर वाई की वैल्यू बताओ मैक्सिमम कब होगी, पूछने वाले ने क्या पूछा, मैक्सिमम कब होगी। पर जब मैंने चेक किया मेरा आंसर इसमें क्या आया, मिनिमा, तो मेरे को आंसर देना पड़ा कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी टाइम t इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड पर, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, पूछने वाले ने क्वेश्चन गलत पूछा। क्लियर है। अगर तो क्वेश्चन आता है सिंपल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि y की वैल्यू गिवन है 4x - 12x2। इस बार y एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे, y, x एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे, x। स्लोप कैसे लिखेंगे, dy / dx। क्वेश्चन में क्या पूछा, x बताओ जब y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, कुछ भी हो, पहला पार्ट चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, स्लोप तो 100% जीरो होगी। तो स्लोप y मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी, स्लोप निकालने dy / dx शुड बी इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू को पुट कर दिया और इसे क्या किया, डिफरेंशिएट करके x निकल गया, x की वैल्यू सॉल्व करके आ गई कितनी, 1/6। तो 1/6 एक्स की वैल्यू पर y मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी। मेंस नीड तो यहीं तक खत्म हो जाती है। मेडिकल वालों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चेकिंग पे क्वेश्चन आए, मेडिकल वाले तो लिख लें चाहे, ये चेकिंग वाला पार्ट हमने करना ही नहीं, बात ही खत्म है, उनको नहीं आएगा ये, किसी भी हालत में नहीं आएगा। ठीक, नॉन मेडिकल वालों को तो आस, नॉन मेडिकल वालों को कहां आता है बता देता हूं।
मेंस में नहीं आता, एनसीईआरटी में नहीं आता, सिर्फ एडवांस में आता है। एडवांस वालों ने तो ना उल्टा पूछना ही पूछना है, उन्होंने तो चेक करवाना ही करवाना है किसी एक क्वेश्चन में आईआईटी में मैक्सिमम या मिनिमम लगा के दिखाओ। तो उनको सपोर्ट मैथ्स की मिलती है प्लस टू में, इसलिए कोई टेंशन नहीं। फिलहाल हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें किसी भी क्वेश्चन में चेकिंग वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, यूज नहीं होता। पर क्योंकि मैं मैक्सिमम मिनिमा करवा रहा हूँ और मैं इस पार्ट को छोड़ दूँ वो एज अ टीचर ठीक नहीं लगता। एटलीस्ट थोड़ा सा एक एंड तो करना ही चाहिए किसी चीज़ का, यूज नहीं होगा पर, लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ तक होगा, यहाँ तक तो निकल जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं इतनी वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू चेक करने के लिए वाई लिखा, वाई को डिफ्रेंशिएट किया इस बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आया, एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया, ठीक। इसकी वैल्यू को 4 माइनस 24x पुट किया, डिफरेंशिएट किया तो नेगेटिव आया। नेगेटिव वैल्यू क्या शो करती है इस पॉइंट पर? मैक्सिमा का पॉइंट है। तो चेकिंग वाला पार्ट नहीं आएगा, पर इस शीट को भी आगे से मुझे लगता नहीं कि देखने की आपको जरूरत पड़ेगी, एक बार गो थ्रू कर लेना दैट सफिशिएंट है। जब यूज होगा फिजिक्स में आने वाले चैप्टर्स में, बिलीव में आपको बहुत आसान लगेगा। ये ज्यादा ही करवा दिया, इतना यूज भी नहीं होता वैसे, कैलकुलस की तरह, ठीक है आता।